सरकार की तरफ से आपको पता है 1983 पीटीआई को सिर्फ राजनीति के चलते उनका शिकार बनाया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिस फैसले में उनकी मेरिट पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, ना उनकी मेरिट पे था, ना उनकी क्वालिफिकेशन पे था, ना ये क्वेश्चन मार्क था कि लिस्ट में किसी और का नाम था और किसी और को ज्वाइनिंग कराने का काम हुआ है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर सीधा हमला और कहा कि हरियाणा सरकार ने 1983 पीटीआई टीचर्स को राजनीतिक दुर्भावना के तहत बर्खास्त किया है। उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि वो बर्खास्त पीटीआई के पक्ष में विधानसभा में प्राइवेट बिल लेकर आएंगे। सरकार की तरफ से आपको पता है 1983 पीटीआई को सिर्फ राजनीति के चलते उनका शिकार बनाया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिस फैसले में उनकी मेरिट पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, ना उनकी मेरिट पे था, ना उनकी क्वालिफिकेशन पे था, ना ये क्वेश्चन मार्क था कि लिस्ट में किसी और का नाम था और किसी और को ज्वाइनिंग कराने का काम हुआ है। तकनीकी एक कारण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी खामी उस भर्ती के अंदर निकलवाई। उस प्रक्रिया में सरकार ने राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आज वो पीटीआई आंदोलित है।